नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Google Drive में अपनी फोटो, वीडियो, ऑडियो या PDF को आप कैसे सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों आज के सभी फोन, महंगे या सस्ते, सभी में गूगल ड्राइव जरूर होता है। दोस्तों आप अपने फोन में गूगल ड्राइव को खोज लीजिएगा, इसका ऐसा आइकॉन होता है। एंड्रॉइड के ये सभी फोन में गूगल ड्राइव जरूर होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं और दोस्तों आपके फोन में कुछ ऐसा फोटो, वीडियो या फिर ऑडियो या फिर PDF जरूर होता होगा जो आप चाहते हैं कि कभी डिलीट ना हो और इसे सेव करके हम रखे रहें, तो आप उसे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल ड्राइव में अपनी फोटो या फिर कोई भी फाइल को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस प्लस वाला आइकॉन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपना फोल्डर क्रिएट करना होता है। यहाँ पे आप अपने अनुसार से फोल्डर बना लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट कर दे रहा हूँ। फोल्डर का नेम टाइप कर देने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्रिएट पे, तो यहाँ पे आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ये फोटो मैं पहले से अपलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ पे इस फोल्डर में फोटो, वीडियो या जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस प्लस वाले आइकॉन पे और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अपलोड पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों अपलोड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपकी गैलरी की फोटो ओपन हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी गैलरी को ओपन कर रहा हूँ और गैलरी ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आप उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा इस टिक मार्क पे, तो दोस्तों यहाँ से वो फोटो हमारे गूगल ड्राइव में आ जाती है, मगर ये अभी अपलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे लिख रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई। अगर आपके फोन में वाईफाई कनेक्शन होता है तो ये ऑटो अपलोड होने लगती है, मगर वाईफाई आपके फोन में नहीं रहने के कारण आप इस फोटो पर टिक कीजिएगा तो ये फोटो अपलोड होने लगता है। अब यहाँ से आपकी ये फोटो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाती है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करके और आप और भी चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से अपनी गैलरी से ऑडियो, वीडियो या जो भी आप फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये फोटो आप जब तक इसे डिलीट नहीं कीजिएगा तब तक ये फोटो यहीं पे रहता है। अगर फ्यूचर में आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं और रीसेट कर देने के बाद अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो फिर ये फोटो आपके गूगल ड्राइव में आ जाती है। अगर आपका मोबाइल कभी खराब हो जाता है, आप दूसरे मोबाइल में, नए मोबाइल में अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो गूगल ड्राइव में ये फोटो उसी तरह से पड़ा रहता है। आप यहाँ से इसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसे किसी को शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी और आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।